सर्वगुण संपन्न उन गायों को हम कहते हैं जिनके लिए कुछ पैरामीटर हमने तय किए हैं। वह पैरामीटर क्या है कि गाय सींग वाली होनी चाहिए, अच्छा भारी झालर होना चाहिए और अगले पैरों के ऊपर बड़ा हम्प होना चाहिए। पुट्ठे की चौड़ाई और स्लोप बेहतरीन रहनी चाहिए। पूंछ लंबी रहनी चाहिए, नाभि शानदार शेप में हो, चारों थनों के बीच गैप परफेक्ट हो, थनों का साइज मुठिया थन हो, गाय ताज़ा ब्याई भी हो, अच्छी दूध क्षमता में हो, कीमत भी कम हो और साथ ही उस गाय के साथ आपको फीमेल काफ मिले, बछड़ी मिले और वह भी उसी नस्ल की जिस नस्ल की गाय है। ये कुछ पैरामीटर हमने तय किए हैं, उन इन्हीं गायों को हम सर्वगुण संपन्न कहते हैं। इन पैरामीटरों पर जो गाय खरी उतरती है वह गाय हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आपको सजेस्ट करते हैं कि गाय आपके लिए बेहतरीन है। ये गाय ताज़ा बेबी है, सेल के लिए अवेलेबल है। मिल्किंग वीडियो आज इस गाय की आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। हर घर देसी गोवंश, हर खूंटे देसी गोवंश, इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज आपको मिल्किंग वीडियो दिखा रहा हूँ। खाली बाल्टी देख सकते हैं, चारों थनों की धार भी आपको अलग अलग चेक करवा रहे हैं। थन सुंदर मुठिया थन है, चारों थनों के चैम्बर अलग अलग है, काफ़ी सुंदर थनों की बनावट शेप है, चैम्बर चारों अलग अलग है, काफ़ी बेहतरीन शेप है और थनों के बीच गैप काफ़ी परफेक्ट उम्दा गैप है। थनों का साइज मुठिया थन, सुंदर नाभि, अच्छी पीठ पर स्लोप, बेहतरीन शो क्वालिटी की गाय। दोनों साइड बैठकर आप दूध निकाल सकते हैं। गाय का स्वभाव बड़ा ही सरल है। दूसरा ब्यांत है, सेकंड लैक्टेशन है और ब्याए हुए इस गाय को आज 9 दिन हुए हैं। आज आपको मिल्किंग वीडियो दिखा रहे हैं। इस गाय के साथ फीमेल काफ है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी जानकारी दी। बाल्टी बदली गई है, दूसरी बाल्टी यूज की जा रही है दूध निकालने के लिए। दूध क्षमता काफ़ी शानदार बताई गई है, लगभग 15 लीटर से अधिक दूध तैयार बताया गया। अभी जब गाय ब्याई हुई 9 दिनों की है, 9 दिन की ब्याई हुई गाय और 15 लीटर से अधिक दूध क्षमता प्रदर्शित कर रही हो तो निश्चित ही एक शानदार चॉइस होगी। इस गाय को राजपाल जी सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, जो श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके मोबाइल नंबर है 6350524645। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क कर गाय के बारे में पूरी जानकारी लें। विजिट कर 2 समय, 3 समय, 4 समय की मिल्किंग अपने हाथ से जरूर से कर देखें। जाग मिटाने के लिए दूध को उलट पलट किया जा रहा है ताकि जाग कम से कम हो जाए। आपको दूध नाप कर दिखाया जाएगा। लगभग जाग पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं, फिर भी आप जाग की मात्रा को कम आंके, यानी कि पूरे दूध में से 1 लीटर दूध को कम नापें ताकि सही दूध क्षमता का आकलन आप कर पाएं। गाय काफ़ी सुंदर और दुधारू है, लीटर से नापा जा रहा है, आप काउंटिंग कर सकते हैं। 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर और इससे भी अधिक दूध है। कैसी लगी गाय हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।